आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आज जो हूँ अपना मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, तो इसका ये पार्ट 3 है। तो इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैंने उनमें करा दिए हैं, तो पूरे 125 क्वेश्चन हैं ये। अपने चित्र में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? सुबोध गुप्ता, भारती खेर, अंजू डोडिया या जो थी रियाज कोमू। तो कौन करता था? भारती खेर। कारवेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? पुनर्जागरण से, रोकोको से, बरोक से या जो थे आपके स्वच्छंदतावाद से। तो किससे संबंध रखते थे? बरोक आंदोलन से संबंध रखते थे। आगे है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, यानी दिलवाड़ा जो है ये मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ में है, माउंट आबू में, जयपुर में या पुरी में। तो ये कहाँ पर है? माउंट आबू में है। और ये जो है आपका किससे? जैन धर्म से संबंधित है। किसने कहा था, मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ये किसने कहा था? सुकरात ने, अरस्तू ने, प्लेटो ने, ऑगस्टाइन ने। तो ये जो कहा था, ये कहा था सुकरात ने। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र कौन सा गवर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? तो ये जो चित्र जो था ये गवर्णिका, ये किस माध्यम में बना हुआ था? तो जल रंग में, कैनवास पर, तेल रंग, टेम्परा या मिश्रित माध्यम। तो ये जो चित्र था ये आपका था मिश्रित माध्यम में। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? क्या पूछा है? सेरीग्राफ जो है वो किसका तकनीकी नाम है? थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका कट गया है। आगे चलते हैं, तो सभी देखेंगे इसका आंसर क्या है। सिल्क स्क्रीन का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, वुड कट प्रिंटिंग का, इंट गैलियो का या लिथोग्राफ का। तो ये जो है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का जो है ये नाम है सेरीग्राफ। बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? किसकी? बाघ की गुफाएं जो हैं ये किस जनपद में हैं? दोमोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद, धार जनपद। तो कौन से में है? ये जो है आपकी धार जनपद में स्थित है। द पोटैटो ईटर क्या ना क्या दिया हुआ है? द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विसेंट वान गो का, पाल गोगा का, कैमिली पिसारो का या क्लोड मोने का। तो ये जो है विसेंट वान गो का है। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर जो थे वो कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के। तो ये जो थे ये आपके इंग्लैंड के निवासी थे। नंदलाल बोस जो थे ये किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के, अविन्द्रनाथ टैगोर के, गंगनेन्द्रनाथ टैगोर के या विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो ये जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो ये ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है, राफेल की है, रोंदा की है। तो ये जो मूर्ति है रोंदा की है। एक बात और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप जो है क्वेश्चनों का एक्सप्लेन कराना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें, क्योंकि पहले ये कहा था कि मैम ज़रा थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन करा दें, तो उस वजह से मैं करा रही हूँ। अगर एक्सप्लेन कराना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगला है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बाबा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन या लक्ष्मा गौड़। तो किसने किया था ययाति श्रृंखला का? तो ये किया था ए रामचंद्रन ने। और ये ययाति श्रृंखला जो है ये महाभारत से संबंधित है। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है? गणेश पाइन ने, विकास भट्टाचार्य ने, एम एफ हुसैन ने, पी टी रेड्डी ने। तो ये जो बनाई है ये किसने बनाई है? एम एफ हुसैन ने बनाई है। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कौन सा रथ? द्रौपदी रथ कहाँ है? तो सभी आंसर करेंगे एलोरा में है, पुरी में है, हम्पी में है या महाबलीपुरम में है। तो ये जो है महाबलीपुरम में है। विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था? किसने किया था? आर के नारायण, अजीत निदान, के एस कुलकर्णी या आर के लक्ष्मण। तो किसने किया था? आर के लक्ष्मण ने किया था। अगला प्रश्न है,
ब्लो राइडर, ये राइटर लिख दिया, राइडर है ये, राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो ने, सल्वर डॉल डाली ने, कंडिस्की ने या जान मीरो ने? तो किसने की थी? कंडिस्की ने। कश्मीर का शालीमार बाग बनाया था, यानी ये पूछना चाह रहा है कि कश्मीर का जो शालीमार बाग था वो किसने बनाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो ये जो बनाया था, ये बनाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, पद्म पानी बोधिसत्व दे रखा है, बोधिसत्व कहाँ है? अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं? तो ये जो है आपका कहाँ पर है? अजंता की गुफाओं में स्थित है। किताब के पीछे सिरे, यानी जैसे कि ये आपकी किताब होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? किताब। तो यहाँ से जो ये जो मोटाई होती है किताब की, इसको क्या कहा गया है? तो इसको फोरेज कहा गया है, बाल कहा गया है, स्टिचिंग कहा गया है या स्पाइन? तो इसको जो है स्पाइन कहा गया है। रस उत्पत्ति का सबसे पहले किसने परिभाषित किया, यानी रस के बारे में किसने सबसे पहले बताया? अरस्तु ने, अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने या ब्रेडेल ने? तो किसने बताया था? ये बताया था आपका भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, किस अति यथार्थवादी कलाकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? यानी पहली चीज तो है, ये भी पूछ सकता है कि ये चित्र जो है आपका कहाँ पर बना हुआ है? तो ये जो चित्र है ये कहाँ बना है? यूनेस्को की इमारत पर बना है या उसकी दीवार पर बना है। अब है ये क्वेश्चन जो पूछा गया, किसने बनाया गया? जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेने मार्गरेट पाल देवला? तो ये जो बनाया है आपका जॉन मीरो ने बनाया। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? किसकी? भारत भवन कला भवन जो है उसकी स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये भारत भवन कहाँ है और भारत कला भवन कहाँ पर है, ये सभी जो है आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, आनंद कृष्णदास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें किसका योगदान है? राय कृष्णदास का। अगला है, भारतीय ग्रंथ वृद्ध संहिता का रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है, कलन है, कालिदास है, वाहर महीर है? तो इसके जो रचयिता है वो है आपके वाहर महीर है। अगला है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, यानी पिकासो जो है उनका कौन सा है प्रसिद्ध चित्र? लास्ट सपर, सनफ्लावर, ग्वर्निका, बर्थ ऑफ वीनस? तो उनका जो चित्र है वो है ग्वर्निका। अगला है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, यानी भारतीय विषय जो है उन्हें पाश्चात्य शैली में जो है किसने चित्रित किया है? तो सुधीर खास्तगीर ने, यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने या क्षितिज नाथ मजूमदार ने? तो किसने किया है? तो पाश्चात्य जो चित्र हो किसने चित्रित किया है, तो ये किया है अमृता शेरगिल ने। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के चार कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला, काला। ऑप्शन बी दिया है, सियान, मर्जेंटा, येलो, ब्लैक। हरा, लाल, पीला, नीला। पीला, लाल, पीला, नीला जो है इसमें दिया हुआ ऑप्शन में। तो इसके कौन कौन से कलर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्या है? सियान, मर्जेंटा, येलो और ब्लैक। अगला प्रश्न है, विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपकी? सारनाथ है, एलिफेंटा है, अमरावती है या सिगिरिया है? तो ये जो है कहाँ पर है? एलिफेंटा में स्थित है। एम एफ हुसैन का निधन कहाँ पर हुआ था, यानी एम एफ हुसैन जो है उनका निधन कहाँ पर हुआ था? लंदन में, कतर में, मुंबई में या न्यूयॉर्क में? तो कहाँ पर हुआ था उनका जो निधन जो था वो? लंदन में हुआ था। तो इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।